अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज वकास। द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सॉल्वड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 and 6 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1B। वर्ड्स प्रॉब्लम, आज जो है हम एक्सरसाइज 1B की वर्ड्स प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है एक्सरसाइज 1B की जो वर्ड्स प्रॉब्लम जो है ना, हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व की थी। तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स। तो हमें जो है डिफरेंस करना है। डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस मीन्स माइनस करना है हमें। माइनस किनके दरमियान माइनस करना है हमें? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर के जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो 4 डिजिट वाला जो नंबर होता है वो लिखना है हमें, और एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर और सबसे छोटा जो 6 डिजिट वाला नंबर होता है उनके दरमियान हमें जो है डिफरेंस मालूम करना है, माइनस करना है। तो हम डेटा लिखेंगे। डेटा में हमने लिखा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। तो हमने 4 डिजिट नंबर हमें पता है के प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था कि कोई भी बड़े से बड़ा नंबर अगर हम लिखते हैं वो 3 डिजिट हो या 2 डिजिट हो या 5 डिजिट हो तो हम वो लिखेंगे 9999 लिखेंगे। अगर यहाँ पर 4 डिजिट नंबर लार्जेस्ट बात की है तो हमने जो है 4 टाइम जो है हमने 9 लिखा है, 1, 2, 3, 4 टाइम हम 9 लिखेंगे। अगर 5 डिजिट नंबर हम बड़े नंबर लिखेंगे तो हम 5 टाइम 9 लिखेंगे। इसी तरह अगर 6 डिजिट नंबर बोला है हमारे को कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर, तो हम क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे फिर 5 टाइम जो है इसमें हम 0 ऐड कर देंगे। तो आए अब इसमें डिफरेंस करते हैं। तो डिफरेंस जो है इसमें हमारा करना है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, इन दोनों नंबर्स के दरमियान जो है हमें डिफरेंस करना है। तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमने इस पर लिखा, फिर इसके नीचे हमने जो है ये 994 टाइम लार्जेस्ट जो 4 टाइम नंबर से हमने ये लिखेंगे, इन दोनों के दरमियान जो हमें डिफरेंस करना है। हम डिफरेंस करते हैं, अब हमें पता है माइनस जो हम करते हैं राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 0 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 में से 9 माइनस नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, बराबर वाले से हम 1 कैरी करेंगे। 1 कैरी मतलब मैंने आपको बताया था मतलब एक बराबर वाले नंबर से उधार लेंगे एक। तो 0 तो देख लेंगे, 0 के पास कुछ नहीं है, फिर आगे मस्जिद जाएंगे 0 पे भी नहीं है, इस 0 के पास कुछ नहीं है, 0 पे भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इस 0 को देंगे, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर हमें पीछे याद रखना है इधर हमारे पास जो नंबर बचेगा डिजिट जो होगा वो 0 होगा। फिर 10 हो गया, इस 10 का हम 1 इस 0 को देंगे तो ये हो जाएगा 10। पीछे पे हमारे पास जो डिजिट बचेगा वो होगा हमारे पास 9। फिर 10 का इस 0 को 1 दे देंगे, पीछे हमारे पास डिजिट बचेगा 9। फिर 10 का इस 0 को 1 देंगे तो पीछे हमारे पास जो डिजिट होगा वो 9। फिर 10 का इस 0 को 1 दे देंगे, 0 को 1 देंगे तो पीछे हमारे पास डिजिट होगा 9। तो ये हो जाएगा 10। फिर 10 में से जो है हम 9 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। फिर 9 में से 9 माइनस करेंगे आंसर आएगा 0। फिर 9 में से 9 माइनस करेंगे कट करेंगे 0, 9 में से 9 कट किया 0। हमारे पास ये 9 है, हम नीचे कोई डिजिट नहीं है तो हम दैट इज 9 लिख देंगे। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 मीन 90,001 हमारा आंसर आया। तो हमने जो है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दोनों को हमने माइनस किया, डिफरेंस किया, तो हमारा आंसर आया 90,001। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, A man bought a house for 95,956,780। एक आदमी है जिसने शख्स है जिसने घर को जो एक खरीदा है बाय किया है वो 956,780 का। He sold it for 120,000 less than the cost price। और इसने जो है इसको सेल किया है 120,000 जो है लेस मीन्स जो है अपनी जो कॉस्ट प्राइस है जितने का उसने खरीदा था उसमें जो है उन्हें जो है कम करा है 120,000 जो है कम पैसों में जो है उसको सेल किया है मीन्स बेचा है। तो हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर, तो हमें मालूम करना है। तो इसने जो घर को सेल किया है, सेलिंग जो की है इसने घर को सोल्ड किया है, तो वो बताना है कि हमें इसने कितने का बेचा। घर खरीदा था उसने जो बाउट और हाउस घर खरीदा 956,580 का खरीदा था और उसको जो है कितने पैसे कम में बेचा है 120,000 जो है उसने कम पैसों में जो है उसको बेचा है। अब ये बताना है कि घर जो उसने सेल किया वो कितने में किया है, असल उसकी जो प्राइस है।
तो हम इधर भी हम डिफरेंस करेंगे। घर इसने 956,780 का जो है बाय किया था और इसने जो फिर जो है 120,000 जो इसने उसमें जो है कंसेशन करके मतलब जो है पैसे कम किए, या आप कह सकते हैं कि उसने नुकसान के अंदर जो है घर को जो है सेल किया। अब 120,000 से नुकसान किया, ठीक है, फिर सेल किया। अब हमें पता लगाना है कि उसने कितने का जो है सेल किया, तो हम दोनों नंबर्स को जो है माइनस करेंगे। 0 में 0 माइनस करेंगे आंसर 0 आएगा, फिर 8 में 0 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा आंसर, 7 में 0 माइनस करेंगे 7 होगा, 6 में 0 माइनस करेंगे 6 आंसर आएगा, 5 में 2 माइनस करेंगे 3, 9 में 1 माइनस करेंगे 8, तो हमारा आंसर आया 836,780। तो इसने जो घर जो है सेल किया एक शख्स ने, ही सोल्ड इट फॉर 836,780। तो घर जो सेल किया गया है, जो बेचा गया है, वो 836,780 का जो है सेल किया गया है, और कितने नुकसान में उसने बेचा है 120,000 का। तो आज जो है हमने एक्सरसाइज 1B का जो है वर्ड्स प्रॉब्लम जो है हमने कंप्लीट की। वर्ड्स प्रॉब्लम के हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया। बाकी जो लास्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, वो जो है आप डू योरसेल्फ, आप जो है वो खुद सॉल्व करेंगे अपनी फेयर कॉपी के अंदर कंप्लीट, इसको आप फेयर करेंगे। फिर फेयर करने के बाद एक्सरसाइज 1B आपकी जो कंप्लीट हुई, अब ये कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज 1B, तो आप अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करके जो है चेक कराएंगे। थैंक यू।